हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे इस कोरोना टाइम में, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा घर पे रह सकें और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख सकें। और अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो प्लीज मास्क वियर करें और हैंड को सैनिटाइज करते रहें। चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये मेरी मैं आजकल कंपनीज एक्ट पे कंटिन्यू सीरीज बना रहा हूँ। ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर। क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट। और ये इतना आसान और इतना इजी टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये बात, ये किसमें? ये सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और मैं चार्ट की हेल्प से समझाऊंगा इसको, और आपको इतना रिकॉल हो जाएगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। उसके बाद आप अपनी बुकिश लैंग्वेज देख सकते हैं, बिल्कुल सेम मिलेगी। तो मैं बात करता हूं यहां पे अपॉइंटमेंट्स ऑडिटर की, दो सिनेरियो में देखी गई है। एक सिनेरियो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जब भी कंपनी बनती है, और एक सिनेरियो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब ऑडिटर, और एक जो हर साल धीरे धीरे कंपनीज के ऊपर ऑडिटर, हर मतलब जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो अपॉइंट किया गया। मैं आपको पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की बात करता हूँ। जब मैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की बात करता हूँ तो इसमें भी आगे चल के दो टुकड़े होते हैं। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जिसकी डेफिनेशन 245 में डिफाइन है, और दूसरा है अदर देन गवर्नमेंट है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अभी मैं आपसे पहले बात करने वाला हूं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मुझे रफ करना पड़ेगा। पहले मैं इस पोर्शन को समझा देता हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज है, ये डिफाइन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, और ये डिफाइन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। तो आपको समझ में आएगा 139 के अंदर की, हम इसको डिटेल्स में पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए, जब मैं बात करता हूं, पहले मैं इस पोर्शन की बात करूंगा, फिर इसके मैं आगे सेगमेंट बताऊंगा। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 में। इसमें आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगा, दोनों कौन कौन से, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पहली बार अपॉइंटमेंट जब किया जाता है एक फर्स्ट ऑडिटर का, और सब्सिक्वेंट जो फर्स्ट के बाद जितने भी ऑडिटर्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑडिटर्स ड्यूरिंग दैट, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो वो कैसे अपॉइंट होंगे। जब फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं तो ये भी दो पोर्शन में बढ़ता है, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन किसी को नहीं पता है तो सेक्शन 245 के अंदर डिफाइन है। अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो मेरे को आप कमेंट में बताना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डेफिनेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं इन केस ऑफ अदर देन कंपनीज, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है जो गवर्नमेंट ना हो उसके अलावा कोई सी। मैं आप, तो इसमें ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है, किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट करने के लिए। किसकी अपॉइंटमेंट? ऑडिटर की। जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है तो कुछ टाइम लिमिट्स भी है, कुछ टाइम लिमिट भी है। कितना? 30 डेज। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो बोर्ड 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। कौन सी डेट? 30 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्टर्ड या फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो आप समझना चाहो। अगर बोर्ड फेल हो जाता है अपॉइंट करने में ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अंदर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बोर्ड फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेंबर्स की। मेंबर को क्या करना है? जो बोर्ड 30 दिन के अंदर फेल हो गया तो अब मेंबर को अपॉइंट करना है ऑडिटर को। कितने टाइम में? 90 डेज में। और कैसे अपॉइंट करना है? ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दो डेफिनेशन होती है, एजीएम और ईजीएम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पे जो मेंबर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को वो ईजीएम में करेगा, ना कि एजीएम में। अगर किसी को दोनों में डिफरेंस नहीं पता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं बनाऊंगा तभी जब आप लोग बोलोगे। तो मेरा पहला केस था इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, जहां पे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड की ऑडिटर को अपॉइंट करने की 30 दिन के अंदर। इन केस बोर्ड फेल हो जाता है और ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता तो उसके बाद नेक्स्ट 90 डेज के अंदर ईजीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईजीएम के अंदर बोर्ड को अपॉइंट करना। और ये अपने ऑफिस को दोनों होल्ड करते हैं फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये थ्री डेफिनेशन 139(6) के अंदर, ये डेफिनेशन 139(7) के अंदर। जब गवर्नमेंट कंपनी आती है, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब मैं पढ़ा रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो डिफाइन है सेक्शन 139(7) के अंदर। जब भी बात आती है गवर्नमेंट कंपनी तो एक पर्सन का नाम आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी एंड एजी। सुनते हो आप न्यूज में सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट आई। जो भी गवर्नमेंट का काम आएगा, गवर्नमेंट की बुक्स को ऑडिट करने का राइट सिर्फ सीएजी के पास है। सिर्फ सीएजी ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट की बुक्स को ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, जब गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? जाहिर सी बात है कैब की होगी। क्या करने की? अपॉइंटमेंट करने की। किसको? ऑडिटर को। कितने टाइम में? 60 डेज के। इस पूरे कंसेप्ट में, पता है आपको, इस पूरे कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखने की बात है, टाइम लिमिट्स। जहां आपने टाइम लिमिट्स आगे पीछे करी वहीं इसका पूरा आंसर खराब हो जाएगा। जहां पे आपने टाइम लिमिट्स छेड़ी, मतलब यहां की टाइम लिमिट यहां गई, वहीं ये कंसेप्ट ही खत्म है। इस कंसेप्ट में ध्यान रखने वाली चीज है, अगर सीएजी फेल हो जाता है, एक सीएजी फेल, तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की अपॉइंटमेंट करने की, ऑडिटर को नेक्स्ट 30 डेज में। अगर आप कह रहे हो सर कैग भी फेल हो गया, बोर्ड भी फेल हो गया, तो थर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेंबर्स की एट द एंड। अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं
तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर्स की, फिर से वही अपॉइंटमेंट करने की ऑडिटर को, सिक्सटी डेज में। तो इन शॉर्ट ये पूरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, 60 days, 30 days, 60 days, यहाँ पे 30-90। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि और हमें याद करने के एक आसान तरीका है 39636, 39366। ये क्या है, अगर हम डेट्स को याद करें तो यहाँ 30 दिन की लिमिट थी या 90 डेज की लिमिट थी, यहाँ अगेन 60, 30, 60। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर हो गया, मैं इस पेज को रफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ऑडिटर फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया जाता है, ये अपने ऑफिस को होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। आई होप आपको एक समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये आसान है, पेपर में जहां लोगों को कंफ्यूज किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के केस में किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ये क्या कहता है, सेम इसमें भी वो बनेंगे, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आसान, जब बात करते हैं इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो हम बात करते हैं सेक्शन 139(1) की, और यहां पे हम बात करते हैं सेक्शन 139(5) की। तो इन शॉर्ट मैंने आपको 139 के अंदर अभी चार सेक्शन करा दिए। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के अंदर का है 139(6)(7) इन केस ऑफ अदर देन, और यहां का है 1 और 2। तो चार सब सेक्शन हो गए। अब जो हम बात करते हैं इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें, फर्स्ट टाइम नहीं, तो ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, रोक दे वीडियो थोड़ा, जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, अपॉइंट हुआ होता है मेंबर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में, और ये होल्ड करता ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। आसान था। अब इनकेस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इनकेस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जाहिर सी बात है कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर को अपॉइंट करना विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज। कब से? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, इन शॉर्ट मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो कैग ऑडिटर अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 180 दिन तक, दिन के अंदर अंदर उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर या जो ऑडिटर चेंज हुआ उसको अपॉइंट ही करना पड़ेगा। ये कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो होल्ड करते हैं ऑफिस जो इस केस में जितना इनका टाइम पीरियड डिसाइडेड है। इस केस में टेन्योर जनरली 5 years का होता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो 6th मीटिंग की कंक्लूजन तक अपॉइंट करेगा। तो यहां तक तो पढ़ा है मैंने पूरा टॉपिक, मैं इसको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ आपको, आपको पूरी वीडियो का सार मिल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के मैंने 2 टुकड़े बांटे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के 2 पार्ट किए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर को मैं पहले देखता हूँ, इसके भी 2 केस किए मैंने, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जब मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो मैं बात करता हूँ सेक्शन 139(6) की, जहां पे जो गवर्नमेंट नहीं है तो कैग का रोल नहीं है। आप सिंपल वो कोड समझो मैंने लिखवाया था,
39। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड की 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करे। अगर बोर्ड ना कर पाए तो मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईजीएम में, एजीएम नहीं ईजीएम, ईजीएम में 90 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर दे। अब बात करते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टार्ट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या डेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, 60 दिन के अंदर अंदर कैग ऑडिटर अपॉइंट कर दे। इन केस कैग फेल हो जाता है तो मैम बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकेस बोर्ड भी फेल हो जाता है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट 30 डेज, बोर्ड भी फेल हो जाता है तो मेंबर्स लास्ट में ईजीएम के अंदर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के केस में जो ऑफिस है वो होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जब तक फर्स्ट एजीएम का रिजल्ट नहीं आता तब तक ही रहता है। और अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इसमें भी सेम दो केस हो जाते हैं, सेम दो केस कौन कौन से, पहला केस होता है अपॉइंट इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में यहाँ पे मेंबर्स हर साल एजीएम होती है, वहां पे जनरल मीटिंग में अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करा जाता है, रीअपॉइंट किया जाता है, वो एज पर सिनेरियो देखा जाता है, ये होल्ड करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। लेकिन इसमें ना कंसेंट जरूर चाहिए होता है बिल्कुल, कि ऑडिटर चाहता है वो, जनरल टेक्निकल टर्म्स है, और डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। कंसेंट मैंडेटरी है यहाँ ऑडिटर का, हर किसी केस में मैंडेटरी होता है ऑडिटर का कंसेंट, और आपको आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की, वो विद इन 15 डेज है एडीटी 2 में। बाकी यहाँ पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में यहाँ पे कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टार्टिंग 180 डेज के अंदर आप ऑडिटर को अपॉइंट कर दोगे, और ये आपके जो टाइम पीरियड डिसाइड है तो वहीं तक रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ गलतियां आपको लग रही है कि मैंने कर दी, तो कोई बात नहीं, मैं इम्प्रूव करूंगा उसे। और वीडियोस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ, हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।